नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। आपने अभी न्यूज में LIC के शेयर्स को बेचने के बारे में सुना होगा, यानी उसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में सुना होगा। तो आज हम अपने आसान शब्दों में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज टर्म्ड प्राइवेटाइजेशन। इसमें आपको शायद कुछ समझ नहीं आया होगा, चलिए इसे एक बार हिंदी में देखते हैं। यानी किसी भी सरकारी संपत्ति का प्राइवेट सेक्टर को बेचना गवर्नमेंट के द्वारा ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये सरकार की एक कंपनी है और ये आम जनता है, तो सरकार क्या करती है कि इस कंपनी के जो शेयर्स है वो आम जनता को देती है और आम जनता से पैसे उठाती है। अब ऑफकोर्स आम जनता से इतने पैसे नहीं उठाए जा सकते, इसीलिए जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है या बड़ी बड़ी कंपनीज है या बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पूंजीपति जिनको बोला जाता है, जिनके पास पैसे होते हैं, उनको ये शेयर्स बेचे जाते हैं। और इस तरीके से सरकार सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच करके उनमें उनका हिस्सा बेच करके सरकार का इस तरीके से सरकार थोड़ा सा पैसा वहां से उठाती है। अब इसके कई सारे एडवांटेज है और कई सारे इसके डिसएडवांटेज है, यानी कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं। तो चलिए हम इसके दोनों पक्षों को देख लेते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम चलिए शुरू करते हैं। इसका एडवांटेज है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। जैसे कि आप सब जानते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। जैसे ही वो प्राइवेटाइज होते हैं वो एफिशिएंटली काम करने लग जाते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में उनको उनके ऊपर काफी बर्डन होता है और उनको अपनी एफिशिएंसी साबित करनी होती है। लेकिन वही इसका डिसएडवांटेज है पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जो कंपनीज है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करती है, न कि प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर वो प्रॉफिट कमाती भी है तो बहुत थोड़ा सा, एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो ऐसे में उनका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा। सेकेंड इज है लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि जब किसी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है तो वहां पे फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाता है और काफी जो है ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग उनमें डिसीजन लेते हैं, इसलिए काफी फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो जो सरकारी कंपनियों के एम्प्लॉय है वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी जॉब जाने का खतरा रहता है और कई बार उनकी जो सैलरी है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके के कई सारे उनको रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं और कई सारे उनको नुकसान होते हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉयज भी उनके ऊपर काफी इससे सहमत नहीं होते हैं। उसके बाद अगर देखें शॉर्ट टर्म व्यू, क्योंकि कोई भी सरकार 5 साल के लिए बनती है तो क्या होता है कि जो भी सरकारी कंपनी है तो वो उनको उस तरीके से चलाएगी जैसे उसको केवल 5 साल के लिए चलाना है, तो ऐसे में इनका काफी शॉर्ट टर्म व्यू रहता है। सेम ऐसे डिसएडवांटेज में हो जाता है कि जब जो कंपनीज है उनको भी अपना प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो ऐसे में वो भी हो सकता है कि उसको लंबे समय के लिए ना चलाए और छोटे समय के लिए चला करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोचे। गवर्नमेंट विल रेज रेवेन्यू फ्रॉम द प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो एडवांटेज है प्राइवेटाइजेशन का वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू मिलता है उसको जब वो उसको सेल करती है। यहाँ प्रॉफिट को आप काट दीजिए, यहाँ पे यानी कि जब गवर्नमेंट उसको सेल करती है तो वो उनको पैसा मिलता है, यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है जैसे LIC के जब शेयर बेचे जाएंगे तो गवर्नमेंट को काफी पैसे मिलेंगे। वहीं इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि जो सरकारी कंपनियां जो उन्हें प्रॉफिट देती थी गवर्नमेंट को, अब वो प्रॉफिट में हिस्सा मिलना बंद हो जाएगा, यानी डिविडेंड, यानी जो प्रॉफिट में हिस्सा जो पहले मिला करता था गवर्नमेंट को वो अब मिलना बंद हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो एडवांटेज है कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब एक और कंपनी जो सरकारी थी वो प्राइवेट हो जाएगी और अब वो भी प्रॉफिट के लिए काम करेगी, तो ऐसे में मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा और काफी सारे लोग उसके लिए मतलब जो अच्छी सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि मान लीजिए अगर जो कंपनियां है अगर वो प्राइवेट हो जाती है तो मोनोपोली यानी कि एकाधिकार क्रिएट हो जाएगा, और मान लीजिए केवल एक ही सरकारी कंपनी थी और वही सर्विसेज दे रही थी और अगर उसी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ऐसे में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और जो वो कंपनी कहेगी वो ही प्राइस जो है आम जनता को पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर केवल एक ही
अभी जैसे रेलवे में केवल एक ही कंपनी है रेलवे की, और अगर केवल एक सेक्टर यानी कि केवल एक कंपनी को पूरा रेलवे भेजा जाता है तो वो जो भी किराया चार्ज करेगी वो आम जनता को देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा अभी है नहीं, लेकिन ऐसा अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो इसके डिसएडवांटेज या इसके विपक्ष में ऐसा तर्क दिया जाता है। चलिए आज इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये शुरू हुआ था प्राइवेटाइजेशन, ये शुरू हुआ था 1991-1992 फाइनेंशियल ईयर 1991, जब हमारे ऊपर भारत के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में फॉरेन क्राइसिस यानी कि फॉरेन लोन का क्राइसिस आ गया था, उस समय ये हुआ था। और वहां से अगर हम देखें तो अब तक गवर्नमेंट ने टोटल ईयर वाइज भी आप देख सकते हो, और टोटल सरकार ने 450,485 करोड़ रुपए प्राइवेटाइजेशन के थ्रू उठाए हैं। मैंने यहाँ पे 1920 का केवल वो फिगर लिया है जो अब तक सरकार ने लिया है, और ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। तो 1991-1992 में जहाँ उन्होंने 2500 करोड़ का टारगेट रखा था और उसके मुकाबले उन्होंने 3037 करोड़ उस समय इन्होंने रिसीव किए थे, यानी रिसीव किए थे, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज ये गवर्नमेंट जो है पिछले साल 85,000 के करीब उन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन से रिसीव किए थे, और इस साल अभी 18,000 ही है क्योंकि अभी तक 1920 एंड नहीं हुआ है, वो 31 मार्च को एंड होता है, तो अभी काफ़ी सारी डील बाकी होगी और इसीलिए शायद अभी तक इतना पैसा नहीं आया है। तो देखते हैं आगे भी। तो ये पूरी हिस्ट्री है कंप्लीट, आप इसको इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।